दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में जिला सम्मेलन करने वाली है और इन जिला सम्मेलनों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में जाकर इन सम्मेलन के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देगी और उनको सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह करेगी। यह जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने कहा कि मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन 10 फरवरी 2023 को ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आयोजित किया जाएगा और इस सम्मेलन में आईआईटी से लेकर आईटीआई व प्रत्येक शिक्षण संस्थानों के छात्र भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जिला सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला से जुड़ी शिक्षा व समाज क्षेत्र की समस्याओं पर प्रस्ताव भी पारित करेगी। उन्होंने कहा कि अपने जिले में वोकल फॉर लोकल व अपने हाथों की कारीगरी को कैसे देश विदेश तक प्रसिद्ध किया जाए, इस पर भी छात्रों के सुझाव लिए जाएंगे। यह सम्मेलन 4 सत्रों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला सत्र उद्घाटन सत्र और दूसरा सत्र सम्मान सत्र रहने वाला है, जिसमें जिला भर के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि तीसरा सत्र प्रस्ताविक सत्र रहेगा और अंतिम सत्र में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए छात्रों के साथ मंडी शहर में रैली निकालकर देश प्रेम का संदेश युवाओं को दिया जाएगा। 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर शुरुआत करते हुए फरवरी माह तक इस जिला सम्मेलनों के जो दौर है ये रहने वाला है। इसी के अंतर्गत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी जिला में भी जिला सम्मेलन करवाने जा रही है, जो कि मंडी शहर में ही होना है। और ये जो जिला सम्मेलन है ये 10 फरवरी 2023 को यानी कि फरवरी माह में होना तय हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस मंडी में जिला सम्मेलन में जो रूपरेखा रहेगी तथा जो आउटलाइन है वो मैं आपके समक्ष ड्रॉ करता हूँ। यह जो जिला सम्मेलन है ये 4 सत्रों में रहने वाला है। जो पहला सत्र रहेगा वो उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में हमारे हिमाचल के कल्चर मंडी के फोक को रिफ्लेक्ट करने के लिए उनकी झांकियां निकाली जाएंगी तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद जो कि पूरे वर्ष भर पूरे का पूरे मंडी जिला में जितनी भी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करता है, जितनी भी गतिविधियां करता है, समाज हित के लिए कार्य करता है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ स्वावलंबी भारत के लिए योगदान देने वाले विभिन्न लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्टअप किया है तथा स्वावलंबी भारत में योगदान दिया है, उन लोगों को बुलाया जाएगा ताकि वो अपनी प्रदर्शनी ऐसे में कर सकें और उससे हमें कुछ सीख मिल सके। दूसरा सत्र इसमें जो रहने वाला है वो रहेगा सम्मान सत्र। इसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा तथा जो मेधावी छात्र हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। इसमें महाविद्यालयों से BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom के छात्रों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के क्राइटेरिया के बेसिस पे सम्मानित करना तय हुआ है। इसके साथ साथ NCC, NSS तथा और एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा राष्ट्रीय तथा स्टेट लेवल के खेलों में जो प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं उनको भी फेलिसिटेट करना तय हुआ है। तथा जो गांव हैं, जो ग्रामीण स्तर पर इस जिला सम्मेलन की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंचायत स्तर पर खेल के प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने जा रही है ताकि जब उनमें से कुछ खिलाड़ी जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो निकल कर आए तो उन्हें इस जिला सम्मेलन में भी सम्मानित किया जा सके। इसके साथ साथ विभिन्न महाविद्यालयों से विद्यार्थी परिषद बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुतियां इस जिला सम्मेलन में देने वाला है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।